योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो माहौल ही बदल गया। नई नई योजनाएं, नए तौर तरीके दिखने लगे, लेकिन जैसे जैसे सरकार पुरानी होती गई सब कल की बातें हो गई। आपको याद होगा सीएम योगी का जनता दरबार, अब सिर्फ जनता नजर आती है, ना योगी नजर आते हैं और ना ही उनके दरबारी। जिन दरबारियों के भरोसे योगी दूसरे काम में बिजी हैं, ये दरबारी भी अब नजर नहीं आते। अब फरियादी भी पूछ रहे हैं, फरियाद का क्या करें हम, किसे दास्ता सुनाए, फरियाद तब सुनाए जब योगी नजर आए। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्ता सुनाए, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्ता सुनाए। ये हाल, ये सवाल यूपी के फरियादियों का है, उन फरियादियों का जिनका दर्द और दास्तां सीएम योगी सुनते थे, जिनके लिए दरबार लगाते थे और लोग उनके द्वार पर आते थे। लेकिन अब द्वार पर ताला है और सीएम योगी के तो दरबार में दर्शन ही नहीं होते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने बनवाई और भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व ने तमाम जो जनता की सुविधाओं के निस्तारण की जो व्यवस्था थी वो भी शुरू की गई, चाहे मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार में बैठने लगे। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भी एक जनसहयोग केंद्र बाकायदा बनाया गया और इसमें हर रोज एक मंत्री यहां पे आते थे और समस्याओं का समाधान करते थे, पब्लिक की समस्याओं को सुनते थे। हम आपको अपने कैमरे में दिखाएंगे। लेकिन ये व्यवस्था पिछले काफी समय से बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे फरियादी तो आ रहे हैं लेकिन इनकी समस्याएं सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। पहले निकाय से, अब गुजरात चुनाव से सीएम योगी को अपनी प्रजा से मिलने की फुर्सत ही नहीं। दुखियारों का दर्द सुनने का वक्त व्यस्त कार्यक्रम के बीच में मिल ही नहीं रहा। यहीं पर बैठ के जनता की सुनवाई हुआ करती थी, ये जनसहयोग केंद्र बनाया गया था और एक मंत्री की ड्यूटी बाकायदा यहाँ पे लगाई गई थी। अब सबसे खास चीज ये है कि एक सूचना भी यहाँ पर लगी हुई है, हम ये सूचना भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से संगठनात्मक कार्यों एवं नगर निकाय चुनाव नामांकन के कारण जन सहयोग केंद्र भाजपा मुख्यालय लखनऊ में दिनांक 6/11/2017 दिन सोमवार एवं दिनांक 7/11/2017 दिन मंगलवार को यहां पे जन सुनवाई स्थगित रहेगी। मतलब 7 नवंबर तक जन सुनवाई स्थगित रहेगी। लेकिन हालत यह है कि जन सुनवाई अभी भी स्थगित है। अब सीएम साहब के सचिव फरियादियों से मिलते हैं लेकिन मरहम नहीं लगा पाते, समस्याएं सुनते हैं लेकिन समाधान नहीं करते। कहां से आप आए हैं और क्या समस्या है? फतेहपुर से आए, हमारा लाइसेंस था मिट्टी के तेल का, वो बंद कर दिया गया था। हम लोग विकलांग है, हाई कोर्ट से भी जीत गए, शासन का आदेश हो गया, डीएम फतेहपुर कुछ भी नहीं कर रहा, हम लोगों को नोटिस पकड़ा दिया, जहां जाना जाइए हम कुछ नहीं करेंगे। बाकायदा हम सघन टहल, कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? तो हम दोबारा आए हैं सर, यहाँ कोई मिला है? कुछ नहीं मिला हमको, फिर आ जाए। बीजेपी कार्यालय में बने जन सहयोग केंद्र का ताला बंद। हर दिन जन सहयोग केंद्र पर पहुंच रहे 150 से ज्यादा फरियादी। पिछले 3 महीने में 9,745 शिकायतें मिली। समस्याओं का निस्तारण करने वाला कोई नहीं, ना कोई मंत्री बैठ रहा है, ना ही प्रार्थना पत्र लेने वाला कर्मचारी मौजूद। कानपुर जनपद और बेल्लौर से आए हुए हैं, मैनेजर ने हमें विद्यालय से निकाल दिया। ये बात 1 अगस्त की है, तब से मैंने अनेक बार हर जगह प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ तक, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं बैठते हैं, आप हमें यहाँ का बताइए कि यहाँ यहाँ आए, शिकायतें लिखित और माने आमने सामने जाके निस्तारण के नाम पर कहीं किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। उनको योगी सरकार को मैं समझता हूँ कि जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अब 8 महीने हो गए कानून व्यवस्था की किस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में है, तो NCRB के आंकड़े से ही देखने से मालूम चल जाता है, और ना इनसे कानून व्यवस्था सुधर रही है, ना ये विकास का अभी तक कोई एक ऐसा काम बता दें जिन्होंने विकास का भी शुरू किया है। तो इनको कुल मिलाकर के जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही है कि सीएम के पास और भी काम होते हैं और कई बार व्यस्त कार्यक्रम में से वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, और पिछले काफी वक्त से तो सीएम चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन इस बीच बाकी जिम्मेदार लोगों की बल्ले बल्ले है, दूर दराज से लोग अपना दुख लेकर आ रहे हैं और मायूस होकर लौट जा रहे हैं। क्या सीएम योगी के जनता दरबार में फरियाद की मियाद खत्म हो गई?
दर्द है जनता का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस तरह से जनता परेशान है, इस चार दीवारी के अंदर अपना दर्द बयां कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इनकी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और बड़े बड़े दावे जरूर किए गए, लेकिन अब वो कोरे साबित हो रहे हैं। कैमरामैन मिन्हाज के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ।